गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी 27 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसका कुल बजट 55,825 करोड़ रुपये होगा। यह धनराशि 10,000 रुपये की वार्षिक किस्तों में वितरित की जाएगी, जिसे राखी पूर्णिमा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 5,000 रुपये की 2 किस्तों में विभाजित किया जाएगा। सुभद्रा योजना वित्तीय वर्ष 24-25 से शुरू होकर 28-29 तक जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन करने वाले 100 लाभार्थियों को 500 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रूमी 1। भारत ने दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का 24 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। आपको बता दें कि रूमी 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट के प्रक्षेपण का भी प्रतीक है। रॉकेट को चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। रूमी 1 रॉकेट को एक मोबाइल लॉन्चर जैसे एक विशेष ट्रक से प्रक्षेपित किया गया था। आपको बता दें कि रूमी 1 पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट को तमिलनाडु के चेन्नई के पास स्थित एक तटीय गांव थिरुविंधई से क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया है। रूमी 1 पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट ने 3 क्यूबसेट और 50 पीको उपग्रहों को एक उपकक्षीय प्रक्षेप वक्र में प्रक्षेपित किया है। आपको बता दें कि हाइब्रिड रॉकेट क्या है, तो एक हाइब्रिड रॉकेट इंजन ठोस ईंधन और तरल ईंधन दोनों इंजनों की विशेषताओं का इस्तेमाल करता है। स्पेस जून इंडिया के बारे में आप समझ लीजिए कि इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो के मेगा लिंगम है। कौन है? के मेगा लिंगम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग के द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस नाम से ई पत्रिका लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सपनों की उड़ान के नाम से ई पत्रिका को लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 23 अगस्त 2024 को ई पत्रिका सपनों की उड़ान का उद्घाटन संस्करण जारी किया है। एनसीईआरटी के सहयोग से इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन सपनों की उड़ान ई पत्रिका का विषय अंतरिक्ष था। क्या था? अंतरिक्ष था। पत्रिका त्रैमासिक प्रकाशित होती है और यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शिखर धवन। दुनिया का सबसे बेहतरीन वनडे इंटरनेशनल बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच अप्रैल 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेला था। यहाँ पर देख लीजिए कि शिखर धवन ने अपने क्रिकेट कैरियर में 269 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और 24 शतक बनाए हैं, जिसमें वनडे में उनका 17 सेंचुरी है और टेस्ट क्रिकेट में 7 शतक है। एक बाएँ हाथ के वे बल्लेबाज रहे हैं। शिखर धवन घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलते थे और वह गब्बर के नाम से फेमस थे। उनके नाम किसी टेस्ट मैच में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 2013 में अपने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में 85 गेंदों में शतक बनाया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वर्ष 2027 में भारत चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। आपको बता दें कि 23 अगस्त को इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथन ने नेशनल स्पेस डे के मौके पर चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4 का डिजाइन भी फाइनल हो चुका है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। 2023 में चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉड्यूल यानी इंजन, लैंडर और रोवर 3 मॉड्यूल थे। चंद्रयान 3 से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को और यह चांद पर उतरा था किस दिन? 23 अगस्त को। इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये कहां से लॉन्च किया गया था इसे? तो इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से? तो LVM3M4, जो बाहुबली या फैट बॉय के नाम से फेमस है। इसका लैंडर था विक्रम और रोवर कौन था? प्रज्ञान था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीर मुथुवेल। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतारा उसका नाम क्या दिया गया? तो शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने आरंभ कार्यक्रम को शुरू किया है। पंजाब सरकार ने बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चे जिनकी उम्र 3 से 6 वर्ष है उनकी प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराना। यह कार्यक्रम पंजाब सरकार की एजुकेशन पॉलिसी को इनकरेज करता है और समाज के विकास में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। यह आरंभ कार्यक्रम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रिंसिपल्स पर आधारित है, जो कि पोषण भी पढ़ाई भी जैसी राष्ट्रीय पहलों के। यहीं पे हम बात करें कि पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब की जो वर्तमान CM है भगवंत मान है, और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया है। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोल्ड। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन है, हाल ही में द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर इम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कल्पना शंकर द्वारा द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर इम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एम सुरेश को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति को देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के वर्तमान सचिव दीप्ति उमाशंकर हैं, वर्तमान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं, वह 31 अक्टूबर 2024 को वर्तमान रक्षा सचिव गिरधर अरमाने की सेवानिवृत्ति के बाद रक्षा सचिव होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव, जो वर्तमान सचिव अपूर्व चंद्रा के 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभालेगी। वहीं पे बात करें सचिव कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय की, तो दीप्ति कौर मुखर्जी हैं। सचिव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के, तो कटी किला श्रीनिवास हैं। सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कौन है? चंद्रशेखर कुमार हैं। वहीं पे वर्तमान कैबिनेट सचिव है TB सोमनाथन, गृह सचिव है गोविंद मोहन, और विदेश सचिव आपको बता दें कि विक्रम मिस्त्री, और इस्पात सचिव है संदीप पौड्रिक। नेक्स्ट, कि हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है।
यह दिवस हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार की त्रासदी को याद करने के लिए मनाया जाता है, जो कि ट्रांसटलांटिक दास व्यापार की त्रासदी से संबंधित है। यह दास व्यापार के ऐतिहासिक कारणों और परिणामों के बारे में सोचने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, हम अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन करेंगे। जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, वहीं पे कैंसर दिवस भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है 2 अगस्त दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस होता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। वहीं पे 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। वहीं पे 9 अगस्त को नागासाकी दिवस या विश्व आदिवासी दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन एवं विभीषिका स्मृति दिवस। 16 अगस्त राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबन और अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस। वहीं पे बात करें 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि सुभद्रा योजना का अनावरण किया है, जो भाजपा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है, जिसका कुल बजट 55,825 करोड़ रुपया होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यूक्रेन। भारत के कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं, जिसके बाद यूक्रेन के साथ कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि LIC हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए 8.4% ब्याज दर पर गृह ऋण योजना की शुरुआत की है।